पापा, फिर को सवा से सुनहरी का फोन चोरी करने वाला तो पैदा नहीं हुआ होगा। खेरा, वही मैं सोच। असद अहमद खान और जोया की दूसरी बेटी, उनके दिल के दो टुकड़े, एक सनम और सहर। सनम, राइट, यही नाम है ना तुम्हारा? बहुत अच्छा नाम है, मैंने बहुत सारे हिंदी गानों में सुना है। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने खुद कुछ नहीं किया है। जानती हूँ, मुझे रजिया भी ने सब बता दिया है। रजिया भी? नाम मत लो उसका। वो पान की दुकान, उसी ने बहकाया मुझे। बहुत चालाक है वो तो अंधे को आईना बेचते। उसी के कहने पे तो मैं सब कुछ कर रही हूँ। उसने अपनी बातों में कैसे घुमा लिया मुझे, मैं कैसे फंस गई, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ तुम्हें रजिया भी ने अपनी बातों में फंसाया है, क्योंकि तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम किसका घर तोड़ रही हो। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम जरा मेरी तरफ देखो। तुम्हें लगता है कि इतने मासूम चेहरे वाली लड़की किसी का भी कुछ बिगाड़ सकती है? और घर तोड़ना बहुत बड़ी बात है सनम। मैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मतलब बुरा नहीं है वो, बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है दूर दूर तक। इस सनम कहाँ रह गई है? पापा मैं क्या बोल रही हूँ सनम? मैं कुछ मत बोल। मैं जानती हूँ मैं यहाँ तुमसे कोई और बात करने आई। नहीं, नहीं नहीं, तुम मेरी बात सुनो, तुम कुछ जानती नहीं हो। अरे तुम भी मेरी तरह बहुत ही मासूम हो, नादान हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नहीं, कुछ नहीं जानती हो तो। नहीं, 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 तुम मेरा यकीन करो, चुप रहोगी, खामोश हो जाओ। मैं कह रही हूँ ना, मुझे तुमसे कोई और बात करनी है, तुम कुछ नहीं जानती हो। दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे फसाया गया है, मेरी नादानी का फायदा उठाया गया है। और रजिया भी, अरे कितनी चालाक है वो। देखो मैं समझ सकती हूँ, कोई भी औरत
अगर अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखेगी तो वो गुस्सा ही करेगी। और मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम ये प्लेट उठाओ और मेरे सर पे मार दो, यही दिल कर रहा है ना? कितना बात करती हो तुम। एक सीधी से बात कह रही हूँ कि खामोशी से मेरी बात सुनो। क्या तकलीफ है तुम्हें? नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तुमने अपनी शक्ल देखी है? देखी है ना, मेरी शक्ल देख रही हो? है कोई फर्क? अरे तुम्हें पता है हम दोनों ना सेम टू सेम है, और इसी बात का फायदा उठाया उस पान की दुकान ने, वो रजिया ने। देखो देखो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ। अरे तुम मेरी बहन जैसी हो यार। कोशिश कर रही हूँ, तुम मेरी बहन जैसी नहीं। मेरी बहन की दुकान ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा। हेलो, इस सनम में हम क्या कर रही है? सनम? अरे कहाँ है वो? किसी ने उसे देखा तो नहीं? नहीं देखा, क्योंकि मैंने उसे बेहोश कर दिया। उसने तुमसे कुछ कहा? कुछ कहना चाहती थी वो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बातें सुनने का। इससे पहले वो कुछ बताती मैंने बेहोश कर दिया उसे। लेकिन लेकिन इसका क्या करूं मैं अभी? मुझे ढूंढता ढूंढता यहीं आ रहा है। उसको देख लिया ना, हो गया, मिल गए मुझे मेरे 2 करोड़। कहाँ? सनम कहाँ? ये नंबर इस वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। मुझे पता था कि वो आहिल से मिलने जरूर जाएगी, इसीलिए मैंने अपने आदमियों को पहले ही वहां भेज दिया। फोन एंगेज क्यों आ रहा सनम? तब तक तुम सनम का ख्याल रखो, ठीक है? यही काम करने आई हूं ना मैं, जल्दी भेजो उनको। सर, सनम टेबल के पीछे क्या कर? सनम, क्या कर क्या रही हो तुम इस टेबल के पीछे? क्या? मैं वो चूड़ियां, ये मेरी फेवरेट चूड़ियां हैं, और इनमें जो सिल्वर कड़े हैं वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। पता नहीं वो एक कड़ा नीचे गिर गया, वो मिल नहीं रहा था, उसे ढूंढ रही थी मैं। Really? तो फोन एंगेज क्यों था? किसका? मेरा। तुम्हारा फोन वो एंगेज क्यों था? मैं आप ही को फोन कर रही थी ना, ये बताने के लिए कि मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा, चूड़ियां ढूंढनी है। था मिल गए चूड़ी? नहीं नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरे एक मिनट, 1 मिनट,
नवाब है आप, एक चूड़ी नई नहीं लेके दे सकते? कौन सी बड़ी बात है, नहीं ले देना। सर मैं तुम्हारी चूड़ी है। कोई मैं... बात नहीं, आप मुझे नहीं ले देना, अभी हम लेट हो रहे हैं। आइए। बट वो चूड़ी मैं तो लेकर आया था तुम्हारे लिए। अरे हाँ तो दोबारा ले आना। अरे शादी वाला घर है, बिल्ली होगी कोई बचा हुआ खाना खाने आई होगी। नहीं। आहिल आपको कोई नजर आ रहा है क्या? लेकिन इतनी जोर की आवाज। अरे अब कोई चीज गिरी होगी, क्यों ना चावल गिरे हुए हैं? क्या कर रहे हैं आप आहिल? चलिए ना, सब वेट कर रहे हैं हमारा, लेट हो रहे हैं हम, चलिए छोड़िए आइए चलिए। यकीन नहीं होता कि ऐसा सचमुच हो रहा है, यकीन नहीं होता कि किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान भी हो सकती है। मैंने तो हया का दिल दुखाया था, उसकी मोहब्बत की बेकदरी की थी, उसके बाद भी किस्मत आज मेरी झोली में मेरे हर ख्वाब सच करके डाल रही है। आज मेरी हया को उसकी आवाज मिली और मुझे मेरी हया। हया कहाँ चले गई? हया, 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 हया। फैज के कमरे में क्यों जा रही है? ये हमला किसी मामूली लड़की पर नहीं हुआ है, हमारी बहू पर हुआ है, हमारे खानदान की इज्जत पर हुआ है। और हम चाहते हैं कि आप इस मामले को संजीदगी से लें। जो भी इस हमले का जिम्मेदार है ना, प्लीज आप उसे ढूंढकर हमारे सामने लाइए। और हाँ, कीमत की परवाह तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कोई भी कीमत हमारी बहू की जिंदगी से ज्यादा नहीं। अम्मी, अम्मी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि बात इतनी बड़ी है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, हम ये केस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को क्यों दे रहे? आहिल बेटा, अगर बाजी जीतनी हो ना तो चाल वो चलनी चाहिए
जिसकी दुश्मन को उम्मीद ना हो। वो तो यही समझ रहा होगा कि इस हादसे के बाद हम सीधा पुलिस के पास जाएंगे और उसने पुलिस से बचने का इंतजाम भी कर लिया होगा। बस इसीलिए हमने शहर के सबसे बड़े प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर लगा दिया। आहिर बेटा, ये जो पुलिस है ना, वो सरकार का काम करती है और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हमारा काम करते हैं। आहिर बेटा, तुम्हें अपनी अम्मी पर बिल्कुल यकीन नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ सनम से मोहब्बत करते हो, हम बिल्कुल नहीं करते? ये बात नहीं अम्मी। आहिर बेटा, तुमसे पहले हम उस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं जो इस हादसे का जिम्मेदार है। हया, क्या हो रहा है? आज हमारी सुहागरात है और तुम पैसे के कमरे में क्या कर रही हो? वही जो आप चाहते थे। मैं चाहता हूं, मतलब ये कैसी बातें कर रहा फैज? अगर मुझे तुम्हारे प्यार पे यकीन नहीं होता तो मैं कभी भी हया से हलाल निकाह करने के लिए हाँ नहीं कहता। तो मैं आपको बताऊं कि इस पे मैंने जो भी बातें की वो पूरी सच नहीं है। भैया, आंखों देखी बातें भी हमेशा सच नहीं होती, सच कुछ और है। बस इसे समझाओ कि हकीकत कुछ और है। भाईजान, देखिए आपको अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप नहीं चाहते थे कि हया को इस बारे में कुछ पता चले, इसलिए आपने मुझे भी उसे बताने से मना किया था। लेकिन भाईजान, मैं हया से बहुत मोहब्बत करता हूं। और उसे मैं इतना बड़ा सच नहीं छुपा सकता, इसलिए मैंने उसे ये क्लिप दिखाई। अब इस सच से पर्दा उठ चुका है, अब आपको ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है आहिर बेटा, तुम इस शहर के नवाब हो और तुम सिर्फ अकेले नहीं पैदा हुए थे, अपनी शानो शौकत के साथ पैदा हुए थे। आहिर बेटा, भोपाल के नवाब का निकाह है, उसकी शान के मुताबिक होना चाहिए ना, और ये सारा इंतजाम करने में हमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ना आहिल। और हम कब चाहते हैं कि ये निकाह बहुत ज्यादा दिनों तक चल जाए? देखिए, मैं जानता हूँ कि आप अपने इकलौते बेटे को लेकर परेशान हैं, उसके निकाह को लेकर आपके भी दिल में अरमान होंगे, लेकिन मैंने सनम से वादा किया कि हया के निकाह के बाद हम फौरन निकाह करेंगे। और आप तो जानती हैं, एक नवाब के लिए अपनी शान और शौकत से ज्यादा उसके वादे की इज्जत होती है। इसलिए मैंने तय किया है कि कल मैं पार्टी रखूंगा और परसों सनम के साथ निकाह। बस निकाह के वक्त मुझे मेरे सर पे आपकी दुआओं का साया चाहिए। आई होप मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं आहिल।
तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही आयल बेटा। इस निकाह में हम सनम को ऐसी दुआएं देंगे कि ये दुनिया देखती रह जाएगी।